हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो है मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में जो है मैंने जो है आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो पहला नंबर, किसी भी टेंस को पहचानना होता है। इंडेफिनिट में भी हमने बताया था कि पहले से क्या बताया था, पहचान बताया था, एग्जाम्पल बताया था और उसका जो है स्ट्रक्चर बताया था। तो कॉलम कौन सा पढ़ेंगे? पहचान तो करेंगे, कैसे वो कैसे पहचानेंगे? पहचान, देखिए जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, क्रिया मालूम है, जैसे हमने इंडिफिनिट बनाया था, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, टी है, से है, तो वो कौन सा इंडिफिनिट होता है, वैसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंत में जो होता है वो रहा है, रहा है या रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, आया हो, तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। तो यहाँ पे है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, रहा है, रही है, रहे हैं, आया हो। एग्जाम्पल देखिए, राधा सब्जी काट रही है, तो यहाँ पे क्या है जी, रही है, आया हुआ है, रही है, यानी कौन सा होगा, काट, यानी क्या क्रिया ये आपका हो गया काट, काटने का हुआ क्रिया हो गया रही है, यानी ये कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। दूसरा, रही है यहाँ पे, रही भी आया हुआ, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, आया हुआ है यहाँ पे, रहे हैं, यहाँ पर क्या आया हुआ है, रहे हैं। तीसरा है, रहा है, वो जा रहा है, वो घर जा रहा है। तो लास्ट में क्या आएगा, क्रिया का क्रिया ये हुआ, जाना हो गया, रहा है, आया हुआ है, तो ये कौन सा होगा, ये जो सेंटेंस होगा वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अब इसका जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आज जो है मैं इसका जो है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बताऊं, अफर्मेटिव, इसका अफर्मेटिव। इंडिफिनिट में भी हमने बताया था आप लोगों को कि इसका जो होता है इंडिफिनिट में भी कि चार हम लोगों को हमने होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटोगेटिव, निगेटिव इंटोगेटिव, यही चार पढ़ना होता है। तो पहले हम लोग कौन सा पढ़ते हैं, अफर्मेटिव पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इज आर एम,
प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस अदर्स, यानी कॉलम में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद ईआरएम में यूज करते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी देखिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब में होता है हम लोग वर्ब में आईएनजी को ऐड कर देते हैं, चौथा फॉर्म में क्या होता है वर्ब में जो होता है उसमें हम लोग आईएनजी को ऐड कर देंगे तो वो कौन सा होगा जी, वो फोर्थ फॉर्म होगा, समझ आया आप लोगों को। तो राधा सब्जी काट रही है, तो राधा सब्जी क्या इसमें राधा है, राधा राधा, तो राधा के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, इसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे कि एम का यूज करेंगे, तो हमने जो है आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कहां हम लोग इसका यूज करेंगे, कहां आर का और कहां एम का यूज होता है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वहां पे हम लोग इसके यूज करते हैं, तो राधा इज कटिंग, क्या क्या करिए सब्जी काट रही है वेजिटेबल, वेजिटेबल राधा इज कटिंग वेजिटेबल, बच्चे क्रिकेट खेल रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी बच्चे कितने लोगों का बोल रहा है, कई बच्चों का बोल रहा है, एक से अधिक क्या है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लाएंगे बच्चे हैं तो यहाँ पे ए लाएंगे, आर लाएंगे, एम लाएंगे, तो हम जो है यहाँ पे आर का यूज करेंगे क्योंकि ये क्या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग आर का यूज करते हैं, द चिल्ड्रेन आर, द चिल्ड्रेन आर, द चिल्ड्रेन आर सब्जेक्ट हो गया, इज आर एम हो गया, सब्जेक्ट हमने यूज किया, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे बच्चे हैं, तो बच्चे का जो होता है चिल्ड्रेन होता है और है, तो है क्या क्या है यहाँ पे इज लगाएंगे आर की एम का, तो बच्चे हैं यानी दो या दो से अधिक लोगों का बोल हो रहा है, जिसने यहाँ पे हम लोग आर का यूज कर रहे हैं, तो चिल्ड्रेन आर, अब भर क्या है, तो भर इसमें कौन सा है, काम कौन सा हो रहा है, खेलने का हो रहा है, कौन सा हो रहा है, खेलने का हो रहा है, खेलने का क्या होता है प्ले होता है, प्ले प्ले होगा, तो प्ले में हम लोग क्या होगा आईएनजी का यूज करते हैं, कौन सा करेंगे हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं, चिल्ड्रेन आर, क्योंकि इसमें क्या है फोर्थ फॉर्म यूज करना, सब्जेक्ट प्लस की जाए प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, और वर्ब में जो है हम लोग आईएनजी को ऐड करते हैं प्लेइंग, अब ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा काम कर रहा है, तो क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है, क्रिकेट, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट, तो आज जो है मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसको हम लोग जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ये नहीं है कि हम कंटीन्यूअस बोल रहे हैं, कोई पूछ दे कि सर आप जो है ये बताइए एक एग्जांपल बताइए इम्परफेक्ट का, तो आप कहेंगे नहीं ये तो हम पढ़े ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इसलिए आपको हमने जब इसका हमने जब लिखवाया था टाइम्स ऑफ प्रेजेंट टेंस लिखवाया था, तो वहां पर हमने नोट बताया भी था कि इसको हम लोग इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, तो इसको जो है हमने आज आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस बताया, इसमें आपको जो भी दिक्कत हो तो जो आप वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, दैट ऑल।